पिछले वर्ष कैथल जिले में खराब हुई कपास की फसल का अभी तक मुआवजा ना मिलने के विरोध में किसान सभा के बैनर तले लघु सचिवालय के बाहर चल रहा किसानों का धरना 14वें दिन में प्रवेश कर गया। मांगों के समर्थन में किसानों के अनिश्चितकालीन धरने पर किसानों ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। धरने पर बैठे किसान नेता मास्टर प्रेम सिंह, बलजीत सिंह और बलवान सिंह ने बताया कि जिला प्रधान महेंद्र सिंह ने भी बताया कि किसानों द्वारा कपास की खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग एक साल से लगातार की जा रही है और किसान नेता इस मांग को लेकर कई बार जिला प्रशासन से बातचीत कर चुके हैं परंतु अभी तक भी मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि जिला प्रशासन के पास मुआवजे की राशि एक साल पहले आ चुकी है। किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार और जिला प्रशासन द्वारा इसी प्रकार किसानों को परेशान किया जाता रहा तो प्रदेश भर के किसान बड़ा आंदोलन करने पर विवश होंगे। तो आज तक सरकार ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और ना इनको कोई पैसा प्राप्त हुआ जी। तो हम ये इसलिए यहाँ बैठे हैं कि किसानों की जो ये जायज मांग है सरकार इसके ऊपर इसको प्राथमिकता के तौर पर लेकर किसानों को समय पर मुआवजा दे ताकि किसान अपने बच्चों को ठीक ढंग से अपनी खेती बाड़ी ठीक ढंग से कर सके। और ये जब किसान की फसल ही मर जाती है तो किसान कहाँ किसान रह जाएगा। धन्यवाद जी। किसान जितने इस गवर्नमेंट की जो नीतियाँ आनी जी इनसे बिल्कुल नाराज है जी। जितने भी इंतिया कायदा जी हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। लगभग इनको 2.5 साल हो गए जी बनाए को और अभी तक वो लागू नहीं करी है जी। कैथल से जाट टीवी न्यूज के लिए नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट।